नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नौलेजवानी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2020 जो हुए हैं इनसे संबंधित टॉप 35 प्लस एम या यानी कि क्विजेस को हम देखने वाले हैं तो इसके अंदर हम सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास आपके सामने लेके आएंगे जो कि 35 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो आप इसमें अपना टेस्ट करिएगा और बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इससे पहले जो है हम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स के रिगार्डिंग जो है वीडियो बना चुके हैं और उसमें हम सभी फैक्ट्स और विनर्स को डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा जिसमें आप इजिली अपना टेस्ट कर पाएंगे और सभी क्वेश्चन को जो है आप क्लियरली सही टिक लगा पाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो जानते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच वन ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट अ

अगला क्वेश्चन है कि यूएस ओपन वाज फाउंडेड इन व्हिच ईयर तो इन व्हिच ईयर यूएस ओपन वाज फाउंडेड यानी कि किस साल में यूएस ओपन की स्थापना हुई थी यानी यूएस ओपन कब से खेला जाने स्टार्ट हुआ तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1881 यानी कि 1881 में तो 1881 में यूएस ओपन फाउंड किया गया था इसको खेला जाना स्टार्ट किया गया था 1881 में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन वाज फाउंडेड इन व्हिच ईयर तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कब से स्टार्ट हुआ तो दोस्तों अगर आपने चुना है ऑप्शन डी तो 1905 तो इज द करेक्ट आंसर 1905 में ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है शुरू हुआ ये सबसे पहला ग्रैंड स्लैम भी होता है और ये सबसे बाद में शुरू हुआ है यानी कि सबसे न्यूएस्ट ग्रैंड स्लैम भी है तो ये हम पहले इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीमेल प्लेयर हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स टू द फाइनल्स ऑफ ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टूर्नामेंट तो कौन सी ऐसी फीमेल प्लेयर है यानी कि महिला खिलाड़ी हैं टेनिस की जो सबसे अधिक बार ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची हैं तो दोस्तों इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी क्राइस एवर्ट तो क्राइस एवर्ट जो है वो सबसे अधिक बार ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली फीमेल प्लेयर हैं तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा क्राइस एवर्ट नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Next है कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट इज प्लेड ऑन सरफेस तो जो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट होता है ये किस सरफेस पे खेला जाता है तो दोस्तों फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है ये खेला जाता है क्ले सरफेट क्ले सरफेस पे क्ले कोर्ट पे तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्ले एक प्रकार की मिट्टी होती है तो क्ले कोर्ट पे इसे खेला जाता है तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन है कि विमंडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट इज प्लेड ऑन विच सरफेस यानी कि विमंडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस सरफेस पे खेला जाता है तो दोस्तों विमंडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो खेला जाता है ये खेला जाता है घास वाली सरफेस पे ग्रास सरफेस पे तो ग्रास कोर्ट होता है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ग्रास सरफेस अगला क्वेश्चन है द टाइटल अचीव्ड बाय विनिंग ऑफ ऑल ऑफ फोर मेजर टूर्नामेंट ऑफ टेनिस इन अ सिंगल कैलेंडर ईयर इज कॉल्ड यानी कि जो चार मेजर टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के एक सिंगल कैलेंडर में अगर कोई उसको जीतता है तो उसको कौन सा टाइटल मिलता है तो दोस्तों उस टाइटल को नाम दिया जाता है ग्रैंड स्लैम तो ऑप्शन डी होगा तो टूर्नामेंट होते हैं उनको जो जीतने वाला होता है, उसका जो टाइटल होता है खोजा है. है, तो हो गया कब खेला गया था इसको सबसे पहली बार तो दोस्तों फ्रेंच ओपन को सबसे पहली बार खेला गया था 1891 में तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1891 अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोविंग टेनिस ग्रैंड स्लैम इज द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम तो नीचे चार ऑप्शन आपको दिए हैं इनमें चार ग्रैंड स्लैम के नाम बताए गए हैं तो आपको ये बताना है जो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है जो सबसे पहले शुरू किया गया था तो दो क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विमंडन ओपनडन ओपन सबसे पहले स्टार्ट किया गया था ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं पहली वीडियो में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा तो ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम विमंडन ओपन है अगला क्वेश्चन है कि विमंडन ओपन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर तो विमंडन ओपन कब से खेला जाना स्टार्ट हुआ तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 1877, 1877 से विमंडन ओपन खेला जाना स्टार्ट हुआ तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 1877. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन इज प्लेड इन द मंथ ऑफ तो फ्रेंच ओपन किस महीने में खेला जाता है तो दोस्तों फ्रेंच ओपन खेला जाता है मई जून में ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो मई से, से लेकर जून में जो है ये फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है प्रत्येक साल नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन बोथ इज प्लेड ऑन विस सरफेस ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन जो टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है ये दोनों किस सतह पर खेले जाते हैं तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हार्ड कोर्ट तो अगर आपने ऑप्शन सी है तो सही करेक्ट आंसर है तो हार्ड कोर्ट या हार्ड सरफेस पे जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन यूएस ओपन दोनों को खेला जाता है अगला क्वेश्चन है वो वाज द फर्स्ट फीमेल प्लेयर पहली महिला फीमेल प्लेयर कौन सी है जिन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल जीता था यानी कि वो वाज द फर्स्ट फीमेल प्लेयर टू विन एनी ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी यानी कि माउट वाटसन तो माउट वाटसन जो थी पहली फीमेल प्लेयर थी जिन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल जीता था माउट वाटसन अगला है वो इज अ विनर ऑफ 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन सिंगल टाइटल तो नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन जो है 2020 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का मैंस सिंगल का जो टाइटल है वो किसने जीता है तो अगर आपने चुना है ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच तो आपका आंसर सही है तो नोवाक जोकोविच ने जो है 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का किताब जीता है मैन सिंगल टाइटल अगला क्वेश्चन है कि नोवाक जोकोविच रिलेटेड टू विच कंट्री तो नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान सा आंसर है तो नोवाक जो, जो है ये सर्बिया से तो right तो रिलेटेड है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं ये अगला है विच वन ऑफ ऑफ द एडिशन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 ट्वेंटी ट्वेंटी तो ऑस्ट्रेलियन ओपन दो जो टेनिस टूर्नामेंट करवाया गया है दो में ये इसका कौन सा एडिशन है कौन सा संस्करण है तो दोस्तों ये था इसका एक संस्करण तो ऑप्शन ए होगा आंसर आंसर एडिशन ऑप्शन ए इज द राइट अगला क्वेश्चन है हु इज द विनर ऑफ हु इज द विनर ऑफ 2020 ट्वेंटी ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल तो महिला एकल का खिताब 2020 के ऑस्ट्रेलियन ओपन का किसने जीता है तो दोस्तों ये जीता है सोफिया कैनिन ने तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर सोफिया कैनिन तो सोफिया कैनिन ने 2020 के ऑस्ट्रेलिया ओपन वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीता था नेक्स्ट क्वेश्चन है सोफिया कैनिन इज रिलेटेड टू विच कंट्री तो सोफिया कैनिन का संबंध किस देश से है तो सोफिया कैनिन जो है दोस्तों यह संबंधित है अमेरिका से तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर अमेरिका अगला क्वेश्चन है हु इज द विनर ऑफ 2020 फ्रेंच ओपन मैन सिंगल टाइटल तो फ्रेंच ओपन 2020 का मैन सिंगल टाइटल का खिताब किसने जीता है तो फ्रेंच ओपन मैन सिंगल टाइटल में जो जीता है यह जीता है राफेल नडाल ने तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर राफेल नडाल अगला है राफेल नडाल इज रिलेटेड टू विच कंट्री तो राफेल नडाल का संबंध किस देश से है तो दोस्तों स्पेन से रिलेटेड है तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर तो राफेल नडाल जो है स्पेस जो स्पेन कंट्री है इससे संबंधित है तो राफेल नडाल इज रिलेटेड टू स्पेन कंट्री तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोविंग एडिशन ऑफ फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट इज प्लेड इन 2020 तो फ्रेंच ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट है इसका कौन सा एडिशन 2020 में खेला गया ये बताना है तो दोस्तों इसका जो खेला गया है वन ट्वेंटी फोर्थ एडिशन खेला गया है ऑप्शन बी इज द विनर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी महिला आयल में वह किसने जीता है तो करेक्ट आंसर होगा ईगा स्वेट एक ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ईगा स्वेटेक जो है फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगर टाइटल 2020 के विनर रही है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर अगला है ईगा रिलेटेड टू विच कंट्री तो ईगा ईगाक जो है ये किस देश से संबंधित है तो दोस्तों बता दें ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर तो पोलैंड की जो खिलाड़ी हैं ईगा इन्होंने ये जो है पोलैंड से संबंधित है अगला है विनर ऑफ 2020 ट्वेंटी विमंडन ओपन मैन सिंगल टाइटल तो दो हजार बीस का विमंडन ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2020 में विमंडन ओपन आयोजित करवाया ही नहीं जा सका कोविड 19 पेंडेमिक के कारण तो कोरोना के चलते ये नहीं हो पाया तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर इसी तरह से हु इज द विनर ऑफ 2020 ट्वेंटी विमंडन ओपन वुमेन सिंगल टाइटल तो महिला एकल का खिताब दो में किसने जीता है विमंडन ओपन का तो जब ये आयोजित ही नहीं करवाया गया तो किसी ने नहीं जीता तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नन ऑफ दिस यहाँ पे भी नन ऑफ दिस आंसर रहेगा ऑप्शन डी नेक्स्ट है हु इज द विनर ऑफ 2019 थाउजेंड नाइनटीन 2019 का विमंडन ओपन वुमेन सिंगर टाइटल तो 2019 में जो विमंडन ओपन महिला किसने जीता था 2019 में तो टू थाउजेंड इज द राइट आंसर विनर ऑफ 2019 थाउजेंड विमंडन ओपन मैन सिंगर टाइटल तो 2019 का जो विमंडन ओपन था उसका पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था तो मैं सिंगल टाइटल जो वुमेंडन ओपन 2019 का था ये जीता था ऑप्शन सी नवाक जोकोविच ने तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नवाक जोकोविच नेक्स्ट है सिमोना हालेब इज रिलेटेड टू विच कंट्री तो सिमोना हालेब का संबंध किस देश से है तो बता दें सिमोना हालेब जो है रोमानिया से है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर तो रोमानिया की खिलाड़ी है सिमोना हालेब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग एडिशन ऑफ विमंडन ओपन टूर्नामेंट इज कैंसल्ड इन 2020 ड्यू टू कोविड कोविड 19 पैंडमिक तो कोविड 19 जो महामारी थी इसके कारण विमंडन ओपन टूर्नामेंट का कौन सा संस्करण 2020 में जो है रद्द कर दिया गया तो ये बताना है आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वन थर्टी फोर्थ तो वन थर्टी फोर्थ एडिशन जो है विमंडन ओपन का करवाया जाना था जिसको कोरोना के चलते जो है कैंसिल कर दिया गया अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेनिस ग्रैंड स्लैम इज कैंसल्ड ड्यू टू कोविड नाइनटीन पैंडेमिक इन ट्वेंटी ट्वेंटी तो क्वेश्चन को ट्वेंटी नाइन वाले क्वेश्चन को इस तरह से घुमा के भी पूछ सकता है कि टेनिस ग्रैंड स्लैम कौन सा कैसा ग्रैंड स्लैम है जिसको कैंसिल किया गया है कोविड नाइन्टीन के कारण दो हजार बीस में तो सिंपल है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विमंडन विवंडन ओपन नहीं कराया गया है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन है कि हु इज द विनर ऑफ 2020 ट्वेंटी यूएस ओपन मैन सिंगर टाइटल तो यूएस ओपन के पुरुष एकल खिताब का 2020 में जो जीता है वो किसने जीता है पुरुष एकल खिताब यूएस ओपन का तो यूएस ओपन मैन सिंगर टाइटल विनर इज ऑप्शन डी डोमिनिक थीम डोमिनिक थीम जो है ये यूएस ओपन मैन सिंगर टाइटल के दो के विनर रहे हैं डोमिनिक थीम ऑप्शन डी इज द राइट आंसर अगला है डोमिनिक थीम इज रिलेटेड टू विच कंट्री तो डोमिनिक थीम जो है किस देश से है तो बता दें दोस्तों ये ऑस्ट्रिया से हैं तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर तो ऑस्ट्रिया से करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रिया से संबंधित खिलाड़ी हैं डोमिनिक थीम अगला है कि विच वन ऑफ द ऑफिंग एडिशन ऑफ यूएस ओपन इज प्लेड इन 2020 तो यूएस ओपन का कौन सा संस्करण जो है 2020 में खेला गया तो बता दें यूएस ओपन का जो संस्करण खेला गया है वो खेला गया एक सौ तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर वन फोर्टी तो तो एडिशन जो है यूएस ओपन का जो है प्ले किया गया है दो में अगला है हु इज द विनर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी यूएस ओपन वुमेन सिंगल टाइटल तो यूएस ओपन के महिला एकल का खिताब 2020 में किसने जीता है वुमेन सिंगल टाइटल का बताना है किसने जीता है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नोआमी ओसाका तो जो कि जापान की खिलाड़ी है तो नोआमी ओसाका ने जो है यूएस ओपन दो महिला एकल का खिताब जीता है अगला है कि नोअमी ओसाका इज रिलेटेड टू विस कंट्री अभी हम आपको बता चुके हैं जल्दी से आंसर अपना कमेंट में दे सकते हैं आप तो नोआमी ओसाका दोस्तों जापान से रिलेटेड है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर सिंपल सा क्वेश्चन था और इस वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि कैरोलिन वोजनियाकी जो है संबंधित हैं तो कैरोन वोजनियाकी का जो संबंध है वो किस खेल से है? ये आपको बताना है दोस्तों बता दें कि कैरोलिन वोजनियाकी जो है टेनिस से संबंधित है तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर और बता दें जो कैरोलिन वेजनयाकी हैं ये डेनमार्क देश की खिलाड़ी हैं तो डेनमार्क से बिलोंग करती हैं कैरोलिन भोजन की और ये टेनिस की खिलाड़ी हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में आप जान चुके हैं चारों ग्रैंड ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2020 से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एमसीक्यू की फॉर्म में या क्यूज जिसमें आपने 35 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है देखा तो आपको थर्टी फाइव में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल नॉलेज वाणी को आज ही सब्सक्राइब कर लिए कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं क्योंकि तो हम इस प्रकार की वीडियो आगे भी लेके आते रहेंगे और आप बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और जिन जिन्होंने भी बेल आइकन प्रेस किया है वो नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में जरूर क्लिक कर लें तभी आपको हमारे हर वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर